वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इन माय लास्ट वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट द केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो आई हैव टीच यू द कॉमन मेथड और द कॉमन रूल टू फाइंड आउट द PI फॉर 90% टाइप ऑफ फंक्शंस विच आर इन फॉर्म ऑफ फाई ऑफ AX प्लस BY। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट इट। Okay, now we will study about the remaining 10% type of functions. So in that function we have know that the general form of linear partial differential equation we write in form of this, and the universal formula of PI is 1 upon f dd dash into f of xy. तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको रूल बताया था, डायरेक्ट उस रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेदर इट कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट इन केस अगर आपको एफ एक्स वाई मिले इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, एक्स वाई, तो इन टाइप के फंक्शंस को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम आज नॉर्मल मैथड पढ़ेंगे। अब फिर वही चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ऑलवेज रिलेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वहाँ जो हम फॉर्मेट पढ़ते थे आपको वही फॉर्मेट यूज़ करना है। PI आपको फॉर्मेट, अब यहाँ पर हम कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब रिप्लेस नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश फंक्शन है इसको हम इन्वर्स कर लेंगे एंड वी विल टेक इट इन्वर्स इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये जब इन्वर्स टाइप का फंक्शन आ गया तो आई थिंक यू ऑल रिलेटेड टू दैट कि अब हमको आगे क्या करना है। जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वेयर प्लस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश स्क्वेयर जेड, और यहाँ पे आपको कोई फंक्शन गिवन है एक्स वाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, इन्वर्स फॉर्म करेंगे और इन्वर्स फॉर्म करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ ईदर 1 प्लस एक्स इन्वर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स। ठीक है, जो भी हमको चाहिए, एक वन चाहिए रहता है तो हम यहाँ से डी स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं या फिर डी डैश स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं। तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, बट उससे पहले आपको ये फॉर्मुलेस पता होना चाहिए कि वन प्लस एक्स होल इनवर्स जब होता है तो द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इज वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। एंड इफ यू हैव वन माइनस एक्स इनवर्स तो इस केस में क्या होता है, टर्म्स आपके सेम रहते हैं और साइन सारे पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हो वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। और अगर यहाँ पे साइन चेंज हो जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टर्म्स विल बी सेम एंड साइन विल ऑल बी पॉजिटिव। अप टू सो ऑन। तो बस यही चार अगर फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक मैं रैंडम से एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इफ वी टेक एन एग्जांपल, सपोज डी स्क्वेयर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वेयर जेड इज इक्वल्स टू, सपोज इफ आई टुक इट एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। अब इस टाइप का फंक्शन है तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई आपका फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो हमको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हम CF फाइंड आउट करेंगे एंड आई थिंक CF आप सबको आ गया होगा और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो मेरी फर्स्ट वीडियो को पहले देखे एंड देन CF सीखे और CF आप उसको निकालना सीखिए एंड देन वी विल कम टू द PI। तो यहाँ पे CF आप लोगों को खुद सॉल्व करना है,
मैं आपको सिर्फ पीआई सॉल्व करके बताती हूँ। अब पीआई सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा यूनिवर्सल फार्मूला एफ डी डी डैश इंटू अवर फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर, उसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ डी डी डैश, व्हाट इज अवर एफ ऑफ डी डी डैश, डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। ना अब ये फॉर्मूला देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वन अपॉन डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको इनवर्स फॉर्म में लेके जाएंगे तो वी कैन राइट इट डी प्लस डी डैश होल पावर माइनस टू इंटू एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल द वैल्यू ऑफ पी आई। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो बस यहीं पे आपको ध्यान देना है कि आपको कोई एक चीज़ कॉमन निकालनी पड़ेगी। यू कैन टेक डी कॉमन ऑल्सो और यू कैन टेक डी डैश कॉमन ऑल्सो। तो हम यहाँ पे वन अपॉन डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन प्लस डी डैश बाई डी होल पावर माइनस टू इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दिस इज अवर फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो वन प्लस डी डैश बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू इंटू डी डैश बाई डी, देन नेक्स्ट टर्म विल बी थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस थ्री इंटू डी डैश होल स्क्वायर बाय डी होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे डी डैश की पावर आपकी इंक्रीज होती जा रही है जो कि इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी, एंड वी ऑल नो दैट व्हेन डेरिवेटिव मल्टीप्लाइज विथ एनी फंक्शन और एनी वेरिएबल दैट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन और वेरिएबल, और जब भी डेरिवेटिव डिवाइड होता है दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मैक्सिमम पावर वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स हम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाई का केवल दो टाइम कर सकते हैं, थर्ड टाइम में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इसके आगे के टर्म्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप केवल थ्री डॉट्स के साथ मेंशन कर देंगे दैट विल बी क्लोज इनफ। अब हम इस एक्स वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ टू एज इट इज, ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली हमको इंटीग्रेट करना है तो वो स्टेप हम बाद में रखेंगे। तो पहले हम डी एज इट इज रखेंगे और ये जो डी डैश है इसकी वजह से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बिकॉज दिस इज डी डैश एंड डी डैश इज द डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड डी इज द डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई विल बी टू एक्स वाई प्लस थ्री एज इट इज रखेंगे, हम नीचे डिनोमिनेटर का डी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर, दैट मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस एक्स वाई स्क्वायर टू टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वन टाइम में हमको मिला टू एक्स वाई और सेकेंड टाइम फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट टू एक्स। नाउ वन बाय डी एक्स वाई स्क्वायर हमको मिला है माइनस टू बाई डी और यहाँ पे है टू एक्स वाई एंड माइनस सिक्स एक्स बाय डी स्क्वायर। नाउ दिस एक्स वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर बाय डी एक्स वाई और माइनस सिक्स बाय डी स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डेरिवेटिव नहीं बचा है, जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो डिवीज़न में है, दैट मीन्स हमको करना है इंटीग्रेट। ये वन बाई डी बाहर है भी उसको एज इट इज़ रखते हैं, इसके साथ में कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, दिस टर्म विल बी एज इट इज़। अब यहाँ पे है फोर बाई डी एक्स वाई, तो माइनस फोर तो कॉन्स्टेंट है, वन बाई डी हो रहा है, डी दैट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एट दैट टाइम वी विल ट्रीट वाई एज अ कॉन्स्टेंट, तो वाई तो एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू और इंटू वाई विल बी एज इट इज। सिमिलरली माइनस सिक्स विल बी एज इट इज, एक्स को हमको दो बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर, सो दैट विल बी एक्स का एक बार ही करेंगे तो
x square by 2 and then again when you integrate you will get x cube by 6. So here I am writing it directly. So 6 and 6 cancel, यहाँ पे बचेगा 2. So here I get 1 by d xy square minus 2 x square y and minus x cube. अब इस पूरे टर्म के साथ 1 by d अगेन मल्टीप्लीकेशन में है, so that 1 by d will convert into integration sign xy square minus 2 x square y minus x cube dx. Now solve it. तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल गेट x स्क्वायर बाय 2, दिस y स्क्वायर विल बी एज इट इज माइनस 2x स्क्वायर y है, तो x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3 इंटू y एंड माइनस x टू द पावर 4 बाय 4. सो योर pi फॉर दिस फंक्शन विल बी cube by minus x to the 4 by 4, and at the last you can write the complete solution in form of z is equals to cf plus pi. So the cf of this question is very very easy, you have to do it yourself and the pi will be this. I hope you got the solution. Thank you.